अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियोस बनाने में कुछ मेहनत की जाती है, इसलिए कुछ हौसला अफजाई कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कदीम हुक्मा ने अनार को तमाम बालाओं का सरदार लिखा है, क्योंकि अनार अपनी तासीर, अपने जायका, अपनी शिफा और दीगर ख्वास में बेमिसाल है। अनार में अक्सर बीमारियों का इलाज मौजूद है। अनार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड वगैरह जैसे कीमती अज्जा बकसरत पाए जाते हैं। अनार के छिलकों के भी काफ़ी फायदे हैं, जिनका शायद लोगों को पता नहीं होता। लोग अक्सर अनार के छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन उनसे भी फायदे हासिल किए जा सकते हैं। आइए अनार के छिलकों के कुछ फायदे बताते हैं। अनार के छिलकों के चंद मुजरब नस्खे यहाँ दिए जा रहे हैं, ताकि आप अनार के छिलकों से भरपूर फ़वाद हासिल कर सकें। गले के मसाइल को दूर करें। एक गिलास पानी में एक इर्द अनार के छिलके शामिल करें और इसे पका कर अच्छी तरह उबल लई हो, अब उस पानी से गरारे करें तो आपके गले का दर्द, खांसी, टॉन्सिल्स का दर्द, आवाज़ की खराबी और गले की खराश दूर हो जाएगी। एकनी को दूर भिगाएं। छलके को छाऊं में सखा कर रखें, अब उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर के एक चम्मच में अर्क गुलाब मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इसे दानों पर एकनी के अलमहासों पर लगाएं तो चेहरा साफ हो जाएगा। जल्द को नरम व मुलायम बनाएं। छिलकों का पाउडर बनाकर उसमें मिल्क क्रीम या दूध शामिल करें और इसे चेहरे पर लगाएं तो सर्दियों में होने वाली खुश्क और रूखी जल्द ठीक हो जाएगी। हड्डियों को मजबूत बनाएं। एक इर्द अनार के छिलकों को एक गिलास पानी में पकाएं। जब ये पानी आधा रह जाए तो इसे छान कर निकाल लें और उसमें एक खाने का चम्मच लेमों का रस शामिल करें, अब उस पानी को पी लें, हड्डियों का दर्द दूर हो जाएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।